अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जु कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी भारत से ज्वाइन किया है कर्नल दानवीर सिंह ने। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। और सर, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए कि एक हंगामा कश्मीर को लेके बार बार पाकिस्तान में उठता है। नए आर्मी चीफ ने भी बात की, सबसे पहला विजिट ही उन्होंने कश्मीर का किया, और उसके बाद से एक आपकी साइड से भी, खास तौर पे आपके मीडिया की तरफ से भी काफी शोर हो रहे हैं, हंगामा हो रहा है। आप इस सबको कैसे देखते हैं, क्योंकि हमेशा से ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर है, कश्मीर हमारी शह रग है, और जाहिर है कि नजरिया पाकिस्तान भी इसमें कहीं ना कहीं आ जाता है। ये सारा जो प्रॉब्लम है ये नजरिया पाकिस्तान का ही है, और ये नजरिया पाकिस्तान निकल के आता है मोहम्मद अली जिन्ना की सोच से, उनकी जो पॉलिटिक्स से। और मोहम्मद अली जिन्ना की अगर आप रिसर्च करें तो आप पाएंगे कि 1930 के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी भी सेकुलर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उससे पहले करते थे वो। और इस्लाम खतरे में है, ये उनका एक खास नारा रहता था। और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहे इल्लल्लाह, ये जो नारा था इसके ऊपर, जब इस्लाम खतरे में है और पाकिस्तान का मतलब क्या, तो ये सारी जोड़ के और बनता है नजरिया पाकिस्तान। मैं अभी डॉन का ही एक पुराना आर्टिकल पढ़ रहा था, काफी साल पुराना, ये उसी में से मैंने निकाला है कि 2030 के बाद उन्होंने कभी सेकुलर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। और वो आर्टिकल आगे ये कहता है कि 5वीं क्लास से, 1981 से 5वीं क्लास से नजरिया पाकिस्तान बाकायदा स्कूलों में पढ़ाया जाता है। और आपने भी ये नजरिया पाकिस्तान जरूर पढ़ा होगा, रटा होगा, और उसके नंबर भी मिले होंगे। तो ये नजरिया पाकिस्तान एक आपकी नेशन स्टेट और नेशन, जो स्टेट है और नेशन है उसमें फर्क डाल देता है। जब आप ये नजरिया पाकिस्तान के लेंस से आप एक नेशन बनाने की, एक स्टेट बनाया, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि भाई इस्लाम खतरे में है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, स्टेट बन गई, स्टेट तो बन गई, लेकिन आप उसको नेशन भी उसी चीज पर बनाने की तर्ज पर लगे रहे। अब पाकिस्तान के हिसाब से टू नेशन थ्योरी में दो नेशन, भाई इस बर्रे सगीर में दो नेशन थे, एक मुसलमान नेशन और एक हिंदू नेशन, यही दलील थी। तो पार्टीशन के बाद मुसलमान नेशन अलग हो गया, आप उस मुसलमान नेशन के हिस्सा हैं, आपके जो पूर्वज पुरखे थे वो अलाहाबाद से नजरिया पाकिस्तान ला इला इल्लल्ला करते हुए, और उन्होंने अटारी बॉर्डर क्रॉस कर दिया और वो लाहौर और फिर कराची और इस्लामाबाद में आके अपना गुजर बसर करने लगे। अब इस नजरिए के चलते जो नेशन बिल्डिंग थी, जो नेशन स्टेट था, वो कहीं खो गया। और नेशन स्टेट के लिए आपको चाहिए आपकी लोकल भाषा, आपके लोकल कल्चर, उसको तस्लीम करना, उसको इज्जत फराम देन करना, और फिर आप एक कंसेंसस से, एक एक प्रेम से, एक एक कलेक्टिव मोटिव से इकट्ठे आके, और आपने वो स्टेट को बनाना और फिर उसको उसको गवर्न करने के लिए एक मिला जुला एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। आपके यहाँ तो चार ही स्टेट है और वही आप लोगों से नहीं संभल रही। क्यों नहीं संभल रही? क्योंकि वो नजरिया पाकिस्तान ही उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। और इस नजरिया पाकिस्तान की वजह से जो एंथो जो नेशनलिज्म है, दैट इज बलूच नेशनलिज्म, पख्तून नेशनलिज्म, सिंधी नेशनलिज्म, इसको कम करने के लिए आपको एक दुश्मन की जरूरत है, और वो दुश्मन है हिंदू, हिंदुस्तान, जो कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की अक्सरियत जरूर है, लेकिन ये हिंदू हिंदुस्तान नहीं है, ये सेकुलर हिंदुस्तान है। लेकिन इस चीज को पाकिस्तानी तस्लीम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये उनके फंडामेंटल्स को हिला देता है। तो हिंदू हिंदुस्तान, जिसमें आप लोग ये सिखाते हैं कि हिंदू
बनिया हिंदू ये वो, मतलब इतना उसको ये सिखाया जाता है कि इससे ज्यादा गंदा आदमी कोई दुनिया में नहीं है और ये दुश्मन है, और ये हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर ये राज कर रहा है कश्मीर, क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड और मुस्लिम अक्सरियत वाला एक स्टेट था, तो एज पर दी डिविजन ये पाकिस्तान के पास आना चाहिए, और पाकिस्तान का और कश्मीर का भी रिश्ता वही है जो सबका है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कहते हैं भाई ये कश्मीर हमारी शारक हो गई। भाई कश्मीर तुम्हारी शारक हो गई, बलूचिस्तान शारक नहीं है, पख्तूनिस्तान आपकी शारक नहीं है, बंगाल आपकी शारक नहीं था। तो ये शारक जो है ये लोगों को इकट्ठा करने के लिए, और एक दुश्मन दुश्मन एक रखना बहुत जरूरी है। अब टू नेशन थ्योरी में एक नेशन प्रोग्रेस कर रहा है, और जिसकी वजह से आपने वो बनाया था कि इस्लाम खतरे में, सबसे ज्यादा इस्लाम आपके यहाँ खतरे में है, बरेलवी उसको खतरा है, शिया को पाकिस्तान में खतरा है, अहमदिया का को तो सबसे ज्यादा खतरा है, और जबकि अहमदियाओं ने सबसे ज्यादा जोर शोर से पाकिस्तान का नारे लगाए थे आजादी कि उनको सबसे ज्यादा पाकिस्तान चाहिए था, और आज उनका बेड़ा गर्क हो गया है उसी पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान एक बहुत ही कंफ्यूज स्टेट है, और वो ऐसे दलदल में फंस गया है, और उस दलदल का नाम है नजरिया पाकिस्तान। कश्मीर एक उसकी आखिरी उम्मीद है, एक पतली सी रस्सी है जिसके ऊपर ये नजरिया पाकिस्तान और ये दलदल में फंसते जा रहा है, वो उससे टिका हुआ है, बचा हुआ सांस चल रही है। जिस दिन कश्मीर का की डोर हाथ से छूट जाएगी, पाकिस्तान बिखर जाएगा। तो ये पाकिस्तान के लिए कश्मीर एक बहुत बड़ी मजबूरी है। नहीं, मुझे तो खैर सर ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर एक मजबूरी है, और क्योंकि ये भारत के लिए भी मजबूरी ही लग रहा है, क्योंकि इतने सालों से इसका कोई हल नहीं निकल पाया। ना आप लोग यहाँ की कश्मीर को ले सके, ना हम वहाँ के कश्मीर पे कुछ कर पाए। लेकिन ये जरूर है कि जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, नजरिया पाकिस्तान को लेकर के हिंदू हेट्रेट या हिंदुस्तान से नफरत, ये कुछ कम लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग नहीं है। चले मान लिया, अगर 50% भी हैं, तब भी 50% लोग तो मुख्तलिफ हैं पाकिस्तान में। तो ये सोच लेना कि नहीं सब एक ही जैसी सोच रखते हैं, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि इस तरह की आवाजें जो बलूचिस्तान से उठ रही हैं या कहीं से, वो तो आपकी कंट्री में भी इस किस्म की तहरीकें उठती रहती हैं, इस तरह की मूवमेंट्स चलती रहती हैं, तो कोई खास बात तो नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हमारे यहाँ भी ऐसी मूवमेंट चली हैं, चलती रहती हैं, लेकिन उसको डील करने का तरीका बहुत मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ भी जुबान को लेकर इशू है, साउथ इंडिया में तमिलनाडु है, तमिल भाषी लोग हैं, वो कहते हैं जी हमारी भाषा जो है सुप्रीम है, और वो हिंदी को तस्लीम करते हैं। इसका मतलब हम ये नहीं है कि हम उनके ऊपर जबरदस्ती हिंदी जो है मुसल्लत कर दें, उनकी जो जुबान है उसको बिल्कुल खत्म कर दें। हमारा तरीका उसको डील करने का बिल्कुल डिफरेंट है, हमारा तरीका एक कंसेंसस बिल्ड करके उसको डील करने का है। इसीलिए हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर नागालैंड में बहुत इंसर्जेंसी थी, वो एक आजाद मुल्क चाहते थे, आसाम भी एक समय अपने आप को आजाद मुल्क चाहता था, आपके पंजाब में खालिस्तान के नाम पर भी एक आजाद मुल्क की तहरीक चली, ये सारी की सारी खत्म हो गई, और ये सारे के सारे अभी मेन स्ट्रीम में आ गए, और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए सबने कंधा लगाया हुआ है, सारे के सारे मिलकर इस तरक्की का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये फर्क है हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में। जब आप ये कहती हैं कि ये तहरीक आपके यहाँ भी इसी तरीके से चलती है, तो बिल्कुल आप आधा प्रॉब्लम पाकिस्तानियों की ये है कि वो हमेशा आधा देखते हैं, पूरा नहीं देखते। अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम उसको डील कैसे करते हैं, और यहाँ पर जब हम उसको डील करते हैं तो एक बहुत अहम चीज है इसको, जो नजरिया हिंदुस्तान जो है जिसको मैं आप बोलूंगा, वो है जमहूरियत, डेमोक्रेसी और पीपल पार्टिसिपेशन। हमारे यहाँ पे सबको मिलजुल कर, और हमारे यहाँ जितनी भी पॉलिटिकल राइवलरी हो, जितने भी डिफरेंसेस हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सारे के सारे एक ही मकसद के लिए काम करते हैं, वो है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए और हिंदुस्तान की सलामती के लिए, यही पूरा एक मोटो है। तो ये डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान में। आपके यहाँ पे ये तहरीकें चली हैं, चल भी रही हैं, बलूचिस्तान में किस तरीके से चल रहा है, आप उसको कैसे डील कर रहे हैं? आप
आप अपना देखिए और फिर देखिए कि हम कैसे डील कर रहे हैं। कश्मीर का जहां तक सवाल है कि हम पीओके को नहीं मिला पाए, मैं अभी कल ही कुछ पढ़ रहा था जिसके अंदर ये था कि पीओके को हम मिला सकते थे 1948 में, 49 में, लेकिन हमने उसको सिर्फ कश्मीर तक ही महदूद रखा। कश्मीर घाटी के आगे जहां मुजफ्फराबाद है, मीरपुर कोटली है, आपका गिलगित बल्तिस्तान है, वहां पर हम जानबूझकर नहीं गए। क्योंकि आपको ये मैं बता दूं कि जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी तो पाकिस्तान के पास महज कुछ दिन का एमिनिशन था और पाकिस्तान के पास में पैसे नहीं थे, पैसे हिंदुस्तान में छपते थे और पाकिस्तान बहुत कमजोर था। अगर हम चाहते तो धक्का दे सकते थे, बहुत आसानी से दे सकते थे। शायद हमारे जो उस टाइम के जो लीडर्स थे उन्होंने वो गलती करी, लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद वो ठीक किया, क्योंकि उनका ये मानना था, ये जो मैंने पढ़ा है 2-3 दिन पहले पढ़ा, उनका ये मानना था कि ये जो मुजफ्फराबाद का इलाका है और गिलगित और जो पख्तून के जो इलाके हैं उधर जो जुड़े हुए ट्राइबल इलाके हैं, यहाँ पर इस्लामिस्ट ज्यादा हैं, मीरपुर के अंदर इस्लामिस्ट लोग ज्यादा हैं क्योंकि उसका पंजाब से बॉर्डर मिलता था। और कहते हैं कि अगर हम इनको साथ में मिला लेंगे तो ये हमारे लिए आगे चल के एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए हमने अपनी फौजों को जम्मू की तरफ पुंछ तक रोक दिया और कश्मीर के घाटी को, कश्मीर को लेने के बाद हमने मुजफ्फराबाद छोड़ दिया और गिलगित बल्तिस्तान में हम जान के नहीं गए, क्योंकि हमारा सिर्फ मकसद था कि लद्दाख को बचा लिया जाए, यानी कि बुद्धिस्ट लोगों को जो लद्दाख में, उनको, जो हिंदू और सिख कश्मीरी जो कश्मीर घाटी के अंदर है उनको, और जो डोगरा मुसलमान जो पुंछ, रजौरी और जम्मू में है, इनको बचाना हमारी ज्यादा वो स्कीम ऑफ थॉट में था। तो इसीलिए हमने उसको छोड़ दिया। अब आप देखिए, आपने कश्मीर में इतना ज्यादा आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है कि आपने अपना घर जला लिया, आज आपके पास खाने को पैसा नहीं है, आपका बुरा हाल है। क्यों है? अगर आप इसकी तह में जाएंगे तो वो कश्मीर है। कश्मीर को लेने के लिए आपने अरबों खरबों रुपया जाया कर दिया, हमारी भी जाने गई, हमारा भी पैसा गया, लेकिन आज कश्मीर हमारे साथ है, वो बच्चे हमारे साथ हैं, उनका 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 ये इंटरनेट की बदौलत उनकी आंखें खुल गई हैं। और यहाँ पे ये भी बता दूं कि कश्मीर में शायद ही कोई हो जो चाहे कि हम पाकिस्तान जाएं, कोई नहीं चाहता वहां पर। ये जरूर है कि वहां पर कुछ लोग ये जरूर चाहते हैं, और कुछ नहीं, काफी लोग ये चाहते हैं कि हम एक आजाद मुल्क हो जाएं। प्री 1950s का मुल्क वो हो जाए, रियासत हो जाए, जिसमें हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर हो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, लेकिन इंडिया की छत्र छाया में हम रहें। ये वहां के मेजॉरिटी लोग चाहते हैं। तो फिर अगर आज वहां पे रेफरेंडम करते कोई पाकिस्तान की तरफ वोट नहीं करेगा, ये फर्क है। लेकिन ये फर्क जो है सिर्फ सर आपके या किसी और के कहने से नहीं साबित होगा, इसके लिए तो वोटिंग कराई जानी चाहिए ताकि पता चले कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, उनके अपने लोग क्या सोचते हैं और क्या मानते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में तो एक ये इम्प्रेशन है कि वहां पर बहुत जुल्म किया जा रहा है, वहां के लोगों को बंद करके रखा हुआ है, यहाँ पे बुरहान वानी को बहुत हीरो बना के पेश किया जाता है, कहा जाता है कि जी इस तरह से कई लोगों को मारा गया है, फौज खड़ी है वहां पे, तो सर जबरदस्ती में तो जाहिर सब हाँ ही करेंगे। वोटिंग कराने क्यों कराए? पाकिस्तान को खुश करने के लिए कराए क्या हम वोटिंग? किसको खुश कराना है? हमें तो नहीं कराना पाकिस्तान को खुश कि भाई पाकिस्तान चाहता है कि वहां पे वोटिंग करा दो तो हम वोटिंग करा दें। अरे ये क्या मतलब हुआ? अब पाकिस्तान चाहेगा कि कल यूपी में वोटिंग करा दो कि आप अलहदा मुल्क में, तो पाकिस्तान जो चाहेगा वो हम करेंगे, ये क्या लॉजिक हुआ? हमें नहीं करने की जरूरत, हमें कोई नहीं। सर अगर आप इतने कॉन्फिडेंट है ना सर, अगर आप लोग कॉन्फिडेंट है तो वोटिंग करवा दीजिए, उसमें क्या हर्ज है? क्या वोटिंग कराएं बताइए? अगर के कश्मीरी क्या चाहते हैं? कश्मीरी आजादी चाहते हैं, कश्मीरी पाकिस्तान नहीं चाहते, हिंदुस्तान चाहते हैं, हिंदुस्तान के प्रोटेक्शन में रहना चाहते हैं, लेकिन वो रियासत 1950 वाली चाहते हैं।
ये फर्क इसके है। लिए भी तो सर, इसके लिए भी तो बैठ के बात करनी पड़ेगी ना, पाकिस्तान से भी बात करनी पड़ेगी, वोटिंग भी पाकिस्तान से करानी नहीं करनी पड़ेगी। पड़ेगी ना, यही तो मजेदार बात है। पाकिस्तान का इसमें कोई भी रोल नहीं है। पाकिस्तान का सिर्फ रोल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अंदर है। पाकिस्तान से बात तब करी जाएगी जब वो आतंकवाद को बंद कर देंगे, दहशतगर्दी बंद कर देंगे, तब उनसे बात करी जा सकती है। और जैसा कि हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हमने बात करनी है अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की, जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है। और आपने देखा कि कैसे शहबाज शरीफ और आपके जो नाम निहाद प्राइम मिनिस्टर हैं जी, पाकिस्तान तनवीर ऑक्यूपाइड इलियास, कश्मीर के, उनके सरदार बीच में तनवीर कैसे इलियास जी। कैसे बातचीत हुई। और उसके बाद में डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, वो फौज के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो इसमें अब हमें वोटिंग कराने की जरूरत नहीं है। हमें पता लग रहा है कि पीओके का क्या सेंटिमेंट है। इसी तरह अगर आप कश्मीर में आ जाएंगे और कश्मीर में आके देखेंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि वहां का कश्मीरी जो लोकल है वो आपके मिडिल क्लास पाकिस्तानियों से कितनी अच्छी बेहतर जिंदगी जी रहा है। उसके पास पैसा है, उसके उसके घर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम कहां स्लम से आ रहे हैं। दे आर सो वेल ऑफ। तो वो उनको मालूम है कि आप लोगों के पास अगर गए तो श्रीनगर पे बैठे होंगे पंजाबी और यहाँ पे नारे लग रहे होंगे इस्लाम के, जो शिया जो बसते हैं श्रीनगर के आसपास उनको मार दिया जाएगा और कश्मीर के अंदर कश्मीरियत खत्म हो जाएगी, कश्मीर नाम का कुछ नहीं रहेगा, सब पंजाबी पंजाबी मिलेंगे। और आपके जर्नैलों के पास में जो DHA उधर खुल जाएगा कश्मीर में, और दुनिया भर के जर्नैल वहां पर सेबों के बाग ले लेंगे, प्लॉट ले लेंगे, घर ले लेंगे, और कश्मीरी वहां पर सेब तोड़ेगा, नौकर नौकर बन जाएगा। तो वो कश्मीरियों को ये बहुत बखूबी मालूम है। कश्मीरियों को बिल्कुल भी पाकिस्तान पसंद नहीं है। इसीलिए आप जो कह रही ना वोटिंग करा लें, वोटिंग कराने की जरूरत नहीं है। रोज जो आतंकवादी जो मारे जाते हैं कश्मीर में, वो कोई फौज को सपना नहीं आता है वहां पर। वो कश्मीरी बताता है कि जनाब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वो हाथ जोड़ता कहता जनाब एक खबर है। बोला कि क्या? बोला कि वह फलाने के घर में आके बैठे हैं। अभी भी बैठे हैं? हाँ जनाब बैठे हैं, आपको मैं बिल्कुल अभी की बता रहा हूं। वो नजरीना से मिलने आया, आप जाके उसे पकड़ लें। तो तो ऐसे होते हैं वहां पे सर, ऑपरेशन। सर अगर किसी ने अपने घर में बिठा रखा है तो फिर इसका मतलब है कि आपकी साइड पे जो कश्मीर है वहीं से लोग शामिल हैं इसमें, वहीं से लोग इस किस्म की मूवमेंट्स चला रहे हैं। घर में किसी तो ने बिठा रखा है, आप खुद कह रहे हैं। हाँ अरे जिसके पास गन है वो तो जबरदस्ती घुस जाता है। लेकिन सर, इसका हल क्या है? और आपको लगता है गन फिर जंग गन होगी? गन तो फिर आप पिटेंगे, नहीं आप नहीं मैं करके पूछ रही देंगे हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि आप हल क्या है, दोबारा जंग हल है या क्या? बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए होगा? मैं तो कहता हूं कि आप एक जंग कर लें, क्योंकि अभी एक ही जंग की कसर रह गई है। उसके बाद में ना नजरिया रहेगा ना पाकिस्तान रहेगा। हम तो चाहते हैं कि आप फिर से शुरू कर दें, क्योंकि अभी सिचुएशन बड़ी मजेदार है। देखिए हम इकट्ठे आजाद हुए, आप लोगों को तो खैर आजादी अंग्रेजों ने दे दी कि चलिए यार, आप नहीं तो इंडिया बहुत स्ट्रांग हो जाता। तो बोला यार आप लोग तो अलग है, नायाब है, आप तो ऊपर से उतरे हैं, आप तो आदमी नहीं है, आप तो मुसलमान है, इंसान तो है ही नहीं आप। तो आपको एक अलग मुल्क दे दिया उन्होंने और आपको चढ़ा दिया पंप। तो अब वो पंप पंचर हो गया है। और आप अभी तो वो आसिम मुनीर साहब आए हैं, हाफिज़े कुरान है, माशाल्लाह पूरा दीन उनके कंधों पर है, और अब तो वो चढ़ाई कर सकते हैं तो लेकिन कर सर लें इंसान। कुछ तो हुआ होगा ना मुसलमानों के साथ, जो लोग दिल्ली से और इलाहाबाद से, या पर अब आप लोगों ने नाम बदल दिया है, प्रयागराज से इधर आ गए, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हुई होगी। कहा जाता है कोई कि जी प्रॉब्लम सेकंड क्लास नहीं सिटीजन समझा जाता था मुसलमानों को, ऐसा मैंने सुना है। हुई थी। वो क्योंकि आप अगर ऐसा ना सुनेंगी तो फिर आप पाकिस्तान छोड़ के नहीं भाग जाएंगी, आपको तो ये सुनाना पड़ेगा ना। ये भाई आप कैसे कन्विंस होंगी कि मेरे जो दद्दू जान थे वो वहां से आए इंडिया से, तो क्या वो अहमक पने में आए क्या?
वो क्यों आए हैं वो? वो बोले कि अरे हाँ बेटा आ तू बेटे, वहां पे हम सेकंड क्लास सिटीजन हो जाते, देखो यहाँ हम फर्स्ट क्लास सिटीजन है, हम इस्लामी आबोहवा में जी रहे हैं, हम वहां पे वो एक बार नमाज नहीं करने देते, हम यहाँ 10 बार कर सकते हैं, हम फला ढिमका, तो ये बहुत सारी चीजें हैं बेटे, हम वहां गाय नहीं खा सकते थे, यहाँ हम जितनी मर्जी गाय खाएं, तो ये वाली चीजें हैं। तो ये आपको बता, तो आरजू को भी लगेगा हाँ यार बात तो अब्बू सही कह रहे हैं कि देखो यार यहाँ तो अब हम पाकिस्तान में आए हैं, द लैंड ऑफ प्योर, और यहाँ पे हम नमाज भी अदा कर सकते हैं, रोजे भी रख सकते हैं। तो ये सोच आपको नहीं बताएंगे तो आप सवाल नहीं पूछेंगे कि आप पागल हैं कि जो आप यहाँ आ गए, वो आपकी मजबूरी है, वो आपको सिखाना पड़ता है। लेकिन सर आपके यहाँ इस किस्म के वाकयात नजर आते हैं ना, इसलिए भी लोग ये बात करते हैं। कौन से वाकया जिस था आप बताइए। जैसे 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 किसी ने गाय की आपने बात की, इस किस्म की लिंचिंग वगैरह तो चलती है ना थोड़ी तो बहुत। हमारे यहाँ बिल्कुल गाय को बहुत मुकद्दस माना जाता है, और अगर हाँ आप उसको मारेंगे तो उसका जवाब आपको इस तरीके से मिला है, मिलेगा लेकिन इसी सर तरीके सिर्फ से। इस जब वजह से कंट्रीज नहीं नहीं बनती, सिर्फ नहीं इस बेस पे कंट्रीज नहीं बनती नहीं ये तो ये। क्राइम, ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी है ना, ये तो हाँ क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो लेकिन सही आपने वही मेरी, मैं वही अर्ज करूंगा कि आप लोगों की आदत है आधा देखने की। अगर गाय किसी ने काटी और उसकी लिंचिंग हुई, उसके बाद क्या हुआ ये आपने देखा क्या? आपको ये मालूम है जिसने लिंचिंग करी उसका क्या हुआ? वो नहीं आपने नहीं देखेंगे, क्योंकि वो आपको, वो आपकी सहूलियत के लिए ठीक नहीं है, वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसलिए आप वो नहीं देखेंगे। आपने देखा कि वो नबी को किसी ने उल्टा सीधा बोला तो सर तन से जुदा हुआ कि नहीं हुआ? आपके हुआ यहाँ पे एक हिंदू कर पाएगा ऐसे? नहीं, कोई गाय कभी काट रहा है नहीं। और हिंदू मार देगा कि इंडिया में? लेकिन यहाँ इंडिया में मुसलमान सर तन से जुदा कर देगा। क्यों? क्योंकि उसकी रेड लाइन है, वो नबी को मानता है और वो किसी भी हालत में उसके बरखिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, ये उसकी सेंसिटिविटी है। और इंडिया में उसका, उसको रिस्पेक्ट दी जाती है। इसी तरह इंडिया में इंडिया का मुसलमान भी, चाहे वो मजबूरन हो या जैसे भी, वो भी ये रिस्पेक्ट देता है कि हिंदू गाय को मानते हैं तो उसको नहीं काटते हैं। बाय द वे, औरंगजेब ने भी एक, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा कि औरंगजेब ने भी एक फरमान जारी किया था कि हिंदुस्तान में गाय कुशी नहीं होगी, औरंगजेब ने। सही। तो फिर तो ये एक सेंसिटिविटी है। तो हमारे यहाँ पे जहां जहां गुस्ताखे रसूल हुआ, उनके सर कलम कर दिए कि नहीं कर दिए मुसलमानों ने? तो फिर तो आप, और लेकिन बात वही नहीं, जिन्होंने सर कलम किए उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, और जिन्होंने गाय गौकुशी के चक्कर में जो लिंचिंग करी वो भी जेल में गए। तो कानून सही। अपना काम कर रहा है, इसीलिए सबको कानून पे एतबार है। आप मेरे को एक इंसिडेंट बता दें जहां पे पाकिस्तान में ऐसा होता हो, या पाकिस्तान में एक हिंदू या एक क्रिश्चियन या एक अहमदी दिल खोल के अपनी बात कह सकता है। आप गूगल करिए नरेंद्र मोदी को, यहाँ पे कितने मुसलमान खुलेआम गाली देते हैं, मजे से यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और गाली देते हैं। दिस इज डेमोक्रेसी, ये एक उनका एक फीलिंग है जो बयान करते हैं, उसकी वजह से किसी की किलिंग नहीं हो रही। लेकिन आप अगर अपनी फौज के खिलाफ या अपने आसिम मुनीर के खिलाफ बोलेंगी तो कल से आपका YouTube चैनल बंद हो जाएगा और आप कहीं और बैठी होंगी। ये फर्क है, ये आप में और मुझ में और जो रेड क्लिफ लाइन के उधर और इधर, ये बहुत बड़ा फर्क है। तो ये आप लोगों को समझना चाहिए। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वाकई में यहाँ पर अगर हमारे यहाँ की माइनॉरिटी में से कोई आवाज उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता और ना ही कुछ कह सकता है, ये बात तो बिल्कुल मैं एग्री करूंगी। और बिल्कुल आर्मी के खिलाफ भी या आर्मी चीफ के लिए भी कहना जो है वो, खैर अभी तो वो आए हैं, अभी उनको क्या कहें, बिल्कुल ही नए हैं, अभी कुछ करेंगे तो फिर बात होगी। लेकिन हाँ इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि डायलॉग के जरिए जो है वो कश्मीर का इशू जो है सॉल्व होना चाहिए, और नजरिया पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल एक बार फिर जो है उसको चेक करने की जरूरत है, खासतौर पे पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस को, कि भाई उसको ठीक करें। जी माफ कीजिएगा, एक बात इसमें कहनी बहुत जरूरी है टू ब्रिंग थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट, कि भाई नजरिया है पाकिस्तान से आप चल रहे हैं 1947 से। इस नजरिया है पाकिस्तान में बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान भी इसमें शामिल था 71 तक। अगर कश्मीर शारग पाकिस्तान की 71 तक थी तो मशरकी पाकिस्तान की भी शारग कश्मीर थी, लेकिन
71 के बाद में मशरकी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश का नजरिया बांग्लादेश हो गया, वो नजरिया पाकिस्तान नहीं रहा। और वो जब नजरिया बांग्लादेश हो गया तब आप देखिए कि उसने कितनी तरक्की करी है। आप अब बांग्लादेश के साथ नहीं मुकाबला कर पाएंगे, बाकी तो आप छोड़ दीजिए, वो आप ही का हिस्सा था, वो जस्ट आप ही का हिस्सा था। 75 साल की आजादी में 40 साल हुए उसको आजाद हुए, आपसे आजादी ली उन्होंने, जबकि उसने भी वही कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो आपसे खैर करके गया उधर। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और हम तो हमेशा ये कहते हैं कि जी हमें बांग्लादेश से भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और साथ भारत से भी, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं इस कश्मीर का इशू जो सॉल्व होना चाहिए ताकि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो टेंशन है वो थोड़ी सी कम हो। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, जय हिंद। सर ये आपकी सोच है, हमारी नहीं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, हम अपनी सोच की बात कर रहे हैं जी, शुक्रिया। थैंक यू।